मैसेल्फ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ और एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और अभी बज रहे रात के 1:30 और मैं आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग क्या है। आज मेरा फिर से एक रोजा डे का ब्लॉग आने वाला है। तो आज मैं क्या क्या करूंगी वही आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोगों को मेरा लास्ट ब्लॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, तो थैंक यू सो मच गाइज। और आज है 21 का रात, इबादत का रात है, तो मुझे लगा कि मैं तो रात तक बैठी रहती हूँ, मतलब जागती रहती हूँ, काम रहता है मेरा एडिटिंग का, तो मैंने अपना काम कर लिया है और थोड़ा बहुत बाकी है तो वो कल सुबह मैं करूंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने लिए पढ़ूंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी कि एकदम सहरी खा के उसके बाद ही एकदम सो जाऊंगी, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट सहरी के टाइम मिलते हैं। सहरी के लिए चाय बन रहा है क्योंकि चाय के बिना मेरा सब कुछ अधूरा है। सोई नहीं थी तो मुझे भूख भी ज्यादा लग गया, तो मैं ब्रेड और टी पीऊंगी। तो अभी बज गए 4:45 और मैं जा रही हूँ सोने, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ कल सुबह। गुड म॑ार्निंग। और अभी बज रहे 11:30, मैं सो के उठ चुकी हूँ बहुत पहले, थोड़ा सा पहले, बहुत पहले नहीं, इतना देर तक सोई है ना, क्या बोल। नहीं एक्चुअली 4 बजे मैं सोई थी ना, उसके बाद क्या होता, मैं जब सोई थी पानी पीना भूल गई थी और मैं चाय और ब्रेड खाई थी ना, तो इसलिए मुझे लगा पानी नहीं पीते हैं बाद में पियेंगे, और उसके पहले मैंने नियत कर लिया तो पानी नहीं पिया। तो इससे क्या हो रहा है ना, मैं जब सोई थी यहाँ पे ना मेरा गला सूख रहा था, तो इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा था रात को। पर कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, पर मुझे जितना भी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो आज अभी ना मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी क्या करना है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना होगा। और मैं सोच रही हूँ, मेरे पास बहुत सारा कपड़ा आता है, आप लोगों को पता है कि अमेजोन से आता है, तो आज मैं कपड़ा निकालूंगी। मेरा आगे का भी बहुत सारा नया कपड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ वो सब डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो चलो फटाफट से वो सब निकाल लेते हैं और जाना भी होगा देने, तो चलो वो सब काम फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मैंने तो सारा सामान निकाल लिया है और चल रहा है पैकिंग, चल रहा है, शाकिब कर रहा है। ये जो लिपस्टिक, ये सब मेरा जो ऑर्नमेंट्स था जो ईद में अच्छा लगेगा। मैं जा रही हूँ सैयद बाबा की मज़ार में, यहाँ कोलकाता में जो लोग रहते हैं उनको पता है, और वहाँ पे काफ़ी सारे डीडी पीपल रहते हैं, तो मैंने जो चीज़ लिया है सब वहाँ मैं बांट दूंगी और दर्शन भी हो जाएगा। और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैं सोची चलो एकदम शावर करके रेडी होके निकल पड़ते हैं। तो शाकिब गया है पेट्रोल भरवाने, वो आ जाएगा, तब तक मैं वेट कर लेती हूँ यहाँ। और काफ़ी ज़्यादा धूप है, और क्या बोलूँ, मुझे सब बोल रहे थे कि तुम जा पाओगी ना रोज़ा करके, मैंने बोला हाँ कर लेंगे। देखो अगर दिल से कुछ करना चाहो ना कि हाँ कर पाएंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने बोला हाँ हाँ चलो हो जाएगा, कोई नहीं। क्यों बोलो, पेट्रोल नहीं है तो की कोड़वे बार मिल जाएगा सामने, चलो मैं अपना हेयर ठीक कर लूँ। मैं पहुंच गई मज़ार पे और इतना ज्यादा तेज लू चल रहा है ना बाहर कि मैं क्या ही बोलूँगा, पूरा मुंह सूख गया है। अरे रुको तो, मैंने लिया है अंदर से और ये मैं बाहर चलाऊंगी। मतलब ये चाचा बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आके बहुत अच्छे। चलो अगर तुम्हारा मन चाहे तो वही कर लो। मैं आई थी यहाँ पे एक बार मेरे बर्थडे पे, ओ वाह, तब तुम्हारा शादी हुआ था क्या? हाँ
ये एक तो छोड़िए था तो किए हाँ दुआ करবে আমার জন্য চাচা আমার জন্য দুয়া করবে মেরা চানা আর মেয়ে দেখ লুঙ্গি ইয়াহা পে মেরা ইয়ে চানা জো হ্যায় अच्छे से बॉयल हो चुका है और तेल भी यहाँ गर्म हो गया है। अब और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले ऐड कर दिए, हल्दी, रेड मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर सारे ऐड कर दिए। इसके अंदर डाल देंगे सारे चने और मैं थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके देना है, पहले ही ज्यादा नहीं देना, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी दे के इसे अच्छे से भूनना है। क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे है बोल के फ्रूट्स काटना और यहाँ पे सलाद भी बना के रखा है। कुछ सलाद नहीं है, ये सैंडविच बनेगा, रिया का फेवरेट सैंडविच बनेगा। चने का जो पानी है ना पूरा ड्राई हो गया है तो मेरा चना रेडी हो गया है। इसके अंदर मैं दे दूंगी नींबू अच्छे से, तो इसमें चटर पटर एक टेस्ट आ जाएगा। मेरा बिल्ली आ गया, देखो चुप, मैं चुप करो, देखो की दीचो सैंडविच। पहले मैंने बटर बटर को रैप कर दिया है, मतलब बटर लगा दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा टोमेटो सॉस लगा दिया है। अच्छा। उसके बाद मैंने टोमेटो को पीस पीस करके जो काट के रखा हुआ था, तो अब ये ऑनियन और क्या जाएगा। उसके बाद मैं एक को बॉईल करके रखा हूँ, अब एक भी बॉईल कर, अरे बाप रे। उसके बाद एक को मैं पीस पीस करके लूंगा। अब इसको क्या करना होगा, फ्राई। अब जा रहा है शाकिब का स्पेशल ईद स्पेशल, रिया के लिए स्पेशल रोजा स्पेशल, रोजा स्पेशल सैंडविच। अच्छा, शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या बनाया था और तुमने मेरे लिए सैंडविच बनाया, जो भी बनाया, थैंक यू सो मच। तो ये रहा, मैं अपना इफ्तार लेके बैठ गई और ये जो देख रहे हो यहाँ पे दस्तरखान, ये एक्चुअली मैंने टेबल क्लॉथ बनाया था स्कूल से, तो वो टेबल क्लॉथ आज मेरा लग गया दस्तरखान में, बहुत ही अच्छा लग रहा है जो मैंने हाथ से बनाया था अपने हाथों से। यहाँ पे मेरा रू अफजा, क्योंकि मुझे रू अफजा काफी पसंद है, फ्रूट्स में ज्यादा नहीं खाती तो हल्का सा फ्रूट्स है। यहाँ पे मैंने जो चना बनाया और ये तो शाकिब ने जो सैंडविच बनाया, यहाँ पे चॉप थोड़ा सा लेके आया है और ये शाकिब की बुआ ने बना के दिया है तलबीना, तो वो भी, ये सारे चीज मेरे फेवरेट है तो यही सब खाऊंगी। और आप लोगों ने बोला था कि नीचे बैठ के खाना है लास्ट टाइम का रोजा का ब्लॉग देख के, तो आज इसीलिए मैं नीचे बैठ गई हूँ और टाइम ज्यादा नहीं है। दुआ कर लेते हैं और इफ्तार के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का दिन मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा रोजा मतलब होगा, इतना प्यास लग रहा था मुझे तब रात के टाइम में, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि कट गया। आश्चर्य, धीरे धीरे उतना पानी नहीं पी रहे, रुको धीरे धीरे, बस उसको बाद मत पियो। A few moments later, इफ्तार करने के बाद ना मैं सो गई थी, इतना तबीयत खराब लग रहा था मेरा, मैंने उतना ज्यादा पानी पी लिया था बोल के, मेरा पेट में ना कैसे गुरमुर गुरमुर कर रहा था, जैसे मतलब सांस फूल रहा था ऐसा, मैं सो गई थी। और अभी बज रहे हैं 8, मैंने 7:30 बजे उठ के अपना वीडियो पोस्ट किया तो अभी 8 बज गया और अभी मैं आ रही हूँ शाकिब का ये सैंडविच, तब मैंने खाया ही नहीं, बहुत ही यामी बना है, बहुत ही ज्यादा यामी। आप लोगों का रोजा कैसा गया मुझे जरूर बताना, कैसा जा रहा है जरूर बताना। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ही ब्लॉग एंड कर दूँ,
अभी आएगी सोनू, आएगी तो सोनू के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, बात करेंगे और तो एकदम एनर्जी नहीं है कि और ब्लॉग को कंटिन्यू करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे प्लीज, मुझे नहीं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। इनको बात भी नहीं कर हो पा रहा है, इतना एनर्जी डाउन हो गया। सो गाइज बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।